दोस्तों समय था 1990 का दशक का। तभी गोरखपुर में एक गैंगस्टर था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। महज 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर दहशत ऐसे कि यूपी से लेकर बिहार और नेपाल तक के लोग कांपते थे। एक बार श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर बाजार में राकेश नाम के व्यक्ति ने सीटी बजा दिया था, जिससे गुस्से में आकर श्री प्रकाश ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के मामले में जब श्री प्रकाश को पुलिस तलाश रही थी, तभी पुलिस से बचने के लिए श्री प्रकाश ने बिहार के माफिया सूरज भान के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश जुर्म की दुनिया में तेजी से उभरता गया। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि यूपी में AK-47 उपयोग करने वाला पहला अपराधी था और वह हमेशा अपने साथ AK-47 लेकर चलता था। खौफ इतना था कि पुलिस भी उससे डरती थी। श्री प्रकाश शुक्ला सुर्खियों में तब आया जब उसने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। इस खबर के बाद यूपी में पहली बार STF का गठन हुआ था और 45 अपराधियों की सूची में जो टॉप पर नाम आता था वह था श्री प्रकाश शुक्ला।